Subscribe now and press the bell icon. Never miss an with the following verbs, adjective, phrases. V1 plus ing is used after 2. देखो, हम सब ने बचपन से पढ़ा है कि 2 plus V1 का यूज़ करते हैं, 2 plus verb की first form का यूज़ करते हैं. यह हमने बचपन से पढ़ा है, ठीक है. अब प्रॉब्लम ये है कि ये जितनी भी फ्रेजेस हैं आपके सामने, ध्यान देना इस चीज़ को, accustomed to, averse to, with a view to, addicted to, devoted to, in addition to, look forward to, object to, owing to, given to, taken to, इन सब के बाद क्या आ रहा है, क्या आ रहा है इन सब के बाद, to का यूज हुआ है. कोई भी बंदा ये सोचेगा, अच्छा इस तरह की फ्रेजेस है तो इनके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, क्योंकि टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, यही ना, यस और नो, यही सोचोगे ना दिमाग में. तो ध्यान से समझना इस चीज को, ये जितनी भी फ्रेजेस हैं, फ्रेज मींस व्हाट. देखो, सबसे पहले फ्रेज में अटक जाते हैं कुछ लोग कि फ्रेज है, फ्रेज क्या होता है, फ्रेज मतलब कंफ्यूजन रहता है फ्रेज का. कुछ लोग idioms एंड फ्रेजेस से फ्रेजेस को रिलेट कर लेते हैं. फ्रेज मींस व्हाट, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स सेंस इज अ फ्रेज. समझ गए मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स मतलब दो या दो से ज्यादा वर्ड्स जहां पे भी मिलते हैं वहां पे एक फ्रेज बनता है. जैसे अगर मैं एक प्रैक्टिकल सी बात बताता हूं, जैसे ट्री है, या बॉय, या गर्ल, ये नाउन है, ये सारे नाउन है, चाहे मैं ट्री की बात करूं, चाहे मैं बॉय की बात करूं, चाहे मैं गर्ल की बात करूं, ये सब नाउन है. लेकिन अगर मैं इनके पहले क्या लगा दूं, द लगा दूं, द ट्री, द नाउन, द गर्ल, तो ये क्या बन गए, ये बन गए नाउन फ्रेज. आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं, बिल्कुल आसानी से देखो चीजों को, जितना आसानी आसान बना दोगे चीजों को उतनी इंटरेस्टिंग बन जाएंगे, सीधी सी बात है. तो जैसे ट्री, बॉय या गर्ल के पहले द लगा या आ लगा, कुछ भी, तो ये नाउन फ्रेज बन गया, क्योंकि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, मतलब अब प्लूरल हो गए ना, दो से दो वर्ड्स हो गए कम से कम, तो ये फ्रेज बन गया, नाउन फ्रेज बन गया, और ये अपना सेंस भी रख रहा है, इसे बोलते हैं फ्रेज. समझ गया ना मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं. तो इस तरह के वर्ड्स जैसे अकस्टम टू, एवर्स टू, अकस्टम टू मतलब क्या होता है, किसी चीज का आदि होना, averse to मतलब दूरी बना के रखना, घृणा से भी डिनोट करता है averse to, aversion means घृणा होता है, with a view to के दृष्टिकोण से, in addition to किसी और चीज को या किसी और पॉइंट को ऐड करते हुए कुछ बोलना, devoted to, in addition to फिर से आ गया, addicted to, look forward to, ऑब्जेक्ट टू, ओइंग टू, ओइंग टू कारण बताता है, गिवन टू, टेकन टू, ये फ्रेजेस जब भी आ जाएं आपकी हेल्पिंग वर्ब के बाद, ध्यान देना इस चीज़ को, ये फ्रेजेस जब भी आ जाएं आपकी हेल्पिंग वर्ब के बाद, अब समझ लेना आगे जेरेंड मिलेगा. ज़्यादातर एस्पिरेंट्स इसमें गलतियाँ करते हैं क्योंकि वो भूल जाते हैं ये पॉइंट. तो ये फ्रेजेस इतनी दिमाग में रखना, क्योंकि ये वो फ्रेजेस हैं जो बैक टू बैक आपके एग्जाम्स में आई, और ये पॉइंट सिर्फ एरर डिटेक्शन में ही नहीं मिला है, इसमें क्लोज टेस्ट से रिलेटेड भी क्वेश्चंस बने हैं, फिलर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस भी बने हैं, और सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फ्रेज रिप्लेसमेंट, इस सेक्शन में भी इससे क्वेश्चंस बने, याद रखिएगा. तो इनके बाद हमेशा टू तो आता है, इन फ्रेजेस के साथ टू तो सब में लगा हुआ है, लेकिन इनके बाद हमेशा जीरेंड आता है, जीरेंड मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है इनके बाद. समझ गया मैं क्या कह रहा हूं, यस और नो. अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और मेंशन कर लेना अपने पास नोट्स में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. बार बार बताने के बावजूद भी हम बार बार इस चीज को भूलते हैं, ये चीज याद रखिए. अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, फटाफट देखिए और पिक करिए अपना आंसर. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. बिल्कुल हलवा सा पार्ट है. कंप्लीट सेंस के लिए दैट मेक्स सेंस मैंने बोला अविनाश,
अगर कंप्लीट सेंस चाहिए तो वो क्लॉज बनेगा, पूरा सेंटेंस क्लॉज बनेगा, कंप्लीट सेंटेंस होगा वो. वेरी गुड. तो अब यहां से अगर हम देखें, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट माय फ्रेंड. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट माय फ्रेंड. अब ध्यान से समझना, आई के बाद एम आया है, फिर लुकिंग फॉरवर्ड टू आया है. देखने में सेंटेंस बहुत अच्छा लग रहा है, एग्जाम में भी अच्छा लगता है. ऐसा सेंटेंस जब आता है तो हम नो एरर पिक करते हैं खुश होके, ये लगता है अच्छा सर ने बोला था नो एरर हो, उसे नो एरर करना है, देखो मिल गया नो एरर वाला, सब गलत करेंगे मैंने सही किया है. फिर भी गलत हो जाता है, क्योंकि लुकिंग फॉरवर्ड टू के बाद मीट नहीं बल्कि क्या आना चाहिए, मीटिंग आना चाहिए. स्टेटमेंट वुड बी आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, टू मीटिंग माई फ्रेंड. मतलब मैं मौके की तलाश कर रहा हूँ अपने फ्रेंड से मिलने की, कुछ ऐसा मीनिंग है ना इसका. हाँ, शीतल इज यूज टू वेक अप अर्ली मॉर्निंग. सो अब यहां से अगर हम देखें, शीतल इज यूज टू, इज मतलब हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आया है, यूज टू. तो वेकअप की जगह क्या हो जाएगा, वेकअप की जगह क्या हो जाएगा, वेकिंग अप हो जाएगा. वेकअप की जगह वेकिंग अप हो जाएगा, और स्टेटमेंट क्या जाएगा, शीतल इज यूज टू वेकिंग अप अर्ली मॉर्निंग या अर्ली इन द मॉर्निंग, ऐसा भी स्ट्रक्चर हो सकता है. ठीक है, समझ गया ना मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं. तो इन फ्रेजेस का यूज जब भी हम हेल्पिंग वर्ब्स के बात करते हैं तो आगे हमें हमेशा आईएनजी फॉर्म मिलता है, मतलब जीरेंड मिलता है. सबको क्लियर हो गया जो मैंने बताया, वो अच्छे से समझ आ गया, यस ऑर नो? सबको समझ आ गया, क्लियर है 100%? वेरी गुड. आगे बढ़ते हैं. एवरी पार्टिसिपल मस्ट हैव सुटेबल सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस. हर पार्टिकल का, पार्टिसिपल का अपना सुटेबल सब्जेक्ट होना चाहिए रेफरेंस के लिए. इस चीज़ को समझने के लिए हमें डायरेक्ट एग्जाम्पल पे ही चलना पड़ेगा और वहीं से रिलेट करना पड़ेगा. चल एग्जाम्पल्स आपके सामने फटाफट देखिए. बीइंग अ रेनी डे विजय डिसाइडेड टू स्टे एट होम. क्या प्रॉब्लम है यहां पे, फटाफट देखिए. इसका रेफरेंस क्या है पहले ये देखिए. ये ऐसी चीज है जो सबको फंसाती है, ये ऐसी चीज है जो सबको फंसाती है, ध्यान देना. अच्छा, अब जो कह रहा हूं उसे ध्यान से समझना थोड़ा सा. बींग अ रेनी डे विजय डिसाइडेड टू स्टे एट होम. बारिश का जो दिन था उसकी वजह से विजय ने डिसाइड किया कि वो घर पे रुकेगा, कुछ ऐसा सेंस है ना इसका. अब एक प्रैक्टिकल सी बात बताना, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात बताना. रेफरेंस किसको दे रहा है बींग, रेनी डे को या विजय को? रेफरेंस किसको दे रहा है बींग, रेनी डे या विजय, जरा बताओ. आज ये डाउट 100% खत्म होगा आपका, ध्यान देना. कभी बींग से ही सेंटेंस सही हो जाता है, कभी इट लगता है. क्यों लगता है इट और क्यों नहीं लगता है, ये डाउट आज खत्म करना है हमें पूरी तरह से. यहां पे हम रेनी डे को रिफर कर रहे हैं पहले, और उसके बाद उस बेस पे विजय ने डिसाइड किया कि वो घर रुकेगा. क्योंकि रेनी डे को रेफरेंस दे रहे हैं इसलिए इट का यूज करना पड़ेगा. इट बीइंग अ रेनी डे विजय डिसाइडेड टू स्टे एट होम. अब अगर हम बीइंग से रेफरेंस दे रहे होते विजय को, ध्यान देना इस चीज पे जो कह रहा हूं, अगर हम रेफरेंस दे रहे होते विजय को, लाइक being a teacher, Vijay should teach the students. Being a teacher, विजय should teach the students. क्योंकि विजय क्या है, टीचर है, इसलिए उसे
क्या करना चाहिए, स्टूडेंट्स को टीच करना चाहिए। अब ये बीइंग से जो रेफरेंस मिल रहा है वो किसको मिल रहा है भाई? बीइंग से रेफरेंस किसको मिल रहा है बताओ? टीचर कौन है? विजय है। बात किसकी हो रही है? विजय की ही हो रही है। रेफरेंस किसका मिल रहा है? विजय का ही मिल रहा है। अब क्या किसी प्रोनाउन को लगाने की जरूरत है? क्या इट लगाने की जरूरत है यहां पे? थोड़ा सा डेप्थ में जाओ इस चीज की और देखो कहना क्या चाहता हूं। समझ रहे हो मेरी बात मैं क्या कह रहा हूं? ये ऐसी चीजें हैं जिसमें सबको डाउट रहता है, सब दुखी रहते हैं अपनी आत्मा से इन सब चीजों को लेके। क्या समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? ग्रामर समझ आ रहा है? लॉजिक समझ आ रहा है? इसके पीछे का क्या है? यस और नो? वेरी गुड। तो रेफरेंस जब किसी अदर यूनिट को देते हैं तो हमें इट का यूज करना पड़ता है उस यूनिट के लिए। रेफरेंस जब हम सेम यूनिट को देते हैं, सेम यूनिट की ही बात कर रहे होते हैं, तो बीइंग से ही स्ट्रक्चर का रेफरेंस मिल जाता है। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? मेरी बात 100% क्लियर हो रही है? यस और नो? 100% क्लियर हो रही है मेरी बात? चलिए। सो एज लगाने की जरूरत ही नहीं है दादुन जी। एज लगाने की, एज बीइंग अ टीचर, बीइंग अ टीचर विजय शुड टीच द स्टूडेंट्स, बिल्कुल सही है। अब ऐसे भी लगा सकते हो, विजय शुड टीच द स्टूडेंट्स वेल, ऐसे भी हो सकता है, अच्छे से पढ़ाना चाहिए विजय को, कुछ भी हो सकता है। समझ गए ना? लेकिन इसके पहले एज, इट, ये सब लगाने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है? Subscribe now and press the bell icon.